एक समस्या जो अभी आप लोग के लेवल पर आ रही है, आप लोग फील्ड में देख रहे हैं कि हम स्कूल लोकेशन पर हैं और फिर भी हम टेस्ट बुक रिसीव नहीं कर पा रहे हैं जियो फेंस के कारण। तो मैं इसकी प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं। हमने एक सिस्टम जो ऑलरेडी हमारे पास पहले से था, या जिस ऐप का यूज़ हम पहले फ्रिक्वेंटली कर रहे थे, या जिनका डेटा के आधार पर ही हम आपके साथ जियो फेंस किया हुआ है स्कूल की लोकेशन के लिए, उसी ऐप का हम दोबारा से उपयोग कर रहे हैं। और इस ऐप को आप सभी लोग, खास करके हमारे जितनी भी इंस्पेक्शन अथॉरिटीज हैं डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और क्लस्टर लेवल की या सियासी लेवल की, वो सभी लोग जानते हैं कि हमने जब भी इंस्पेक्शन किया हुआ है पहले, तो हमने शाला दर्पण ऐप के माध्यम से इंस्पेक्शन किया था। हम उसी ऐप का यूज यहाँ पर स्कूल लोकेशन को अपडेट करने का या रिव्यू करने का ऑप्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आपको सिर्फ एचएम साहब को ये करना है, जैसे ही आप अगर अपने स्कूल लोकेशन पर हैं और आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिख रही है जहाँ कि आप टेस्ट बुक रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तत्काल ही आप इस ऐप को एग्जिट करें, लॉग आउट करें, या आप एम शिक्षा मित्र को लॉग इन करें। लॉग इन की वही प्रोसेस है, आपको अपनी यूनिक आईडी के साथ लॉग इन करना है। आपको लॉग इन करने के बाद आप यहाँ पर शाला दर्पण मॉड्यूल का जो आइकन है उस पर आपको क्लिक करना है। शाला दर्पण में जैसे ही आप क्लिक करते हैं, जैसे कि मैंने अभी टेस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाले टाइम पे आपको बताया कि आपको यहाँ पर भी मास्टर डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले जैसे ही आप लॉगिन करते हैं एम शिक्षा मित्र में, शाला दर्पण में एंटर करते हैं, आपको अगेन यहाँ पर मास्टर डेटा डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप मास्टर डेटा यहाँ डाउनलोड करते हैं, स्कूल लोकेशन को अपडेट करने के लिए जो डेटा की रिक्वायरमेंट रहेगी इस ऐप में, शाला दर्पण में वर्तमान में, वो डेटा आपके हैंडसेट पे आएगा। और आपको डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर इस ऐप में एक ऑप्शन है, चूंकि टाइटल अभी हमने स्क्रीन पे चेंज नहीं किए हैं ऐप में, इसलिए एचएम साहब बिल्कुल घबराए ना कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि निरीक्षण शुरू करें, तो हमको तो निरीक्षण नहीं करना है। आपको इस ऑप्शन का यूज करना है स्कूल लोकेशन को अपडेट करने के लिए। जैसा कि टेक्स्ट में मैंने लिखा हुआ है, स्कूल की लोकेशन अपडेट करने के लिए आपको निरीक्षण शुरू करें पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे कि आपको जिस स्कूल की बुक्स रिसीव करनी है, या आप जिस स्कूल के एचएम हैं, या आप जिस स्कूल के प्रभारी बनाए गए हैं टेस्ट बुक रिसीव करने के लिए, उस स्कूल का 11 डिजिट का डाइस कोड आपको फीड करना है। आप जैसे ही करेक्ट 11 डिजिट का डाइस कोड फीड करते हैं, आपको उस स्कूल का नाम, ब्लॉग और डिटेल सारी आपको ऐप पर दिख जाएंगी। आप ये सुनिश्चित कर लेंगे कि जिस स्कूल की लोकेशन मुझे अपडेट करनी है वो ही यही स्कूल है, यही डाइस कोड है, यही विकासखंड है, यही जिला है। क्लियर। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगला ऑप्शन आपको पूछेगा कि विद्यालय आपको खुला मिला कि नहीं। यहाँ पर उसमें आपको तीन ड्रॉप डाउन मिलेंगे, आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे ड्रॉप डाउन में, हाँ, नहीं, या कोविड के कारण बंद है। तो आपको यहाँ, मैंने जैसे अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने तीनों ऑप्शन लिखे हुए हैं और यहाँ पर हाँ को मैंने ग्रीन रखा हुआ है कि आपको हाँ ऑप्शन टिक करना है, नहीं नहीं करना है, कोविड के कारण बंद नहीं करना है। आपको यहाँ पर हाँ करना है क्योंकि स्कूल खुले हुए हैं हमारे, सिर्फ बच्चे नहीं आ रहे हैं, सारे टीचर्स को आने का सभी को ऑर्डर है कि आप सारे शिक्षक हमारे शाला में उपस्थित रहेंगे। तो शाला ओपन है हमारी, सिर्फ बच्चे नहीं है। तो आपको यहाँ पर हाँ ऑप्शन सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ हाँ का सिलेक्शन करते हैं, आपको स्कूल से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको फीड करना होगा। जैसे ही आप हाँ सेलेक्ट करते हैं, आपके ऐप पर कैमरा आएगा कि स्कूल बैनर के समक्ष खड़े होकर आपको अपना जियोटैग फोटो लेना है और जियोटैग फोटो क्लिक करना है। जैसे ही आप कैमरे पर टिक करेंगे, आपको कैमरा ऑन हो जाएगा,
बैनर में बैकग्राउंड में स्कूल का नाम लिखा होना दिखना चाहिए, आप कैमरा सेट करके। सभी लोग सेल्फी परफेक्ट लेने लगे हैं, मतलब काफी टाइम से यूज कर रहे हैं। तो आपको एक सेल्फी अपने स्कूल के साथ, स्कूल बैनर के साथ क्लिक करना है। क्लिक के साथ ही साथ कुछ जानकारी यहाँ पर आपको फीड करना है, जैसे कि शाला प्रमुख का यूनिक कोड, यानी कि आप स्वयं अपना यूनिक आईडी मोबाइल नंबर फीड करेंगे। सेकंड नंबर पे आपके में कितने शिक्षक पदस्थ हैं, या अगर कोई अतिथि शिक्षक हैं तो अतिथि शिक्षक की जानकारी भरना है आपको, कितने शिक्षक हैं, कितने आपके यहाँ उस दिन उपस्थित थे, कोई टीचर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित तो नहीं है या किसी अन्य कार्यालय में संलग्न तो नहीं है। ये जानकारी हमारे, अगर जो इंस्पेक्शन अथॉरिटीज जितने भी डीपीसी साहब, बीआरसी या सीएसी, सारे एपीसी साहब इसको देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए हमेशा की जानकारी है जो हम पार्ट ए में भरते हैं। कोई व्यक्ति यदि आपकाश पर है तो उससे संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर फीड करना है। तो जैसे ही आप कैमरा क्लिक करेंगे, फोटो लेंगे, ये तीन चार इन्फॉर्मेशन है, ये तीन चार इन्फॉर्मेशन आपको फीड करनी है। फीड करने के बाद अंत में आगे जाए का एक बटन नीचे राइट साइड में ऐप में दिया हुआ है, आपको उस पर टिक करना है। जैसे ही आप यहाँ टिक करेंगे, आपको अगले पार्ट में क्लास की इनरोलमेंट से संबंधित जानकारी है। यहाँ पर आपको जितने अभी तक आपके जिस शाला में, शाला की जितनी कक्षाओं में जितने बच्चे इनरोल्ड हो चुके हैं या नामांकित हो चुके हैं, उनकी संख्या फीड करनी है। जैसे अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 1 to 5 का स्कूल है, 5 क्लास दिख रही है, आपको यहाँ पर इनरोलमेंट जो भी अभी वर्तमान स्थिति में है वो आपको फीड करना है। ये हम लोगों ने ये प्रोसेस इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमने ऐप में अन्य कोई चेंज नहीं किया है, जो पहले प्रोसेस थी वही की वही प्रोसेस अभी भी रखी है। आपको सिर्फ नामांकन दर्ज करना है और नामांकन दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पर पार्ट ए सुरक्षित पर टिक करना है। जैसे ही आप पार्ट ए पे सुरक्षित करेंगे, पार्ट ए आपका फिनिश हो जाएगा। मैं पार्ट ए की पूरी प्रोसेस पुनः रिपीट कर रहा हूँ आपको। जिस स्कूल का डाइस कोड, सॉरी, लोकेशन अपडेट करनी है, डाइस कोड फीड करना है, शाला खुली मिली में हाँ का चयन करना है, आपको जियोटेक फोटो स्कूल के बैनर के साथ या जहाँ पे स्कूल का नाम लिखा हुआ है आपके उस पे, उसके आगे आके आपको एक जियोटेक की सेल्फी अपलोड करनी है, शाला की कुछ इन्फॉर्मेशन दर्ज करनी है, कितने टीचर हैं, कितने अतिथि शिक्षक हैं, कोई छुट्टी पर है, कोई नहीं है, वो पूरा क्लियर करने के बाद इनरोलमेंट की भी जानकारी फीड करना है और ए पार्ट आपको सुरक्षित करना है। यहाँ पर आपका जियोटैग फोटो हमारे पास आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर अगला पार्ट भी पूरा करना है। उसके उपरांत ही आपका जियो लोकेशन जो स्कूल की है वो अपडेट होगी। इसका सेकंड पार्ट आपको ये करना है कि मेरे निरीक्षण रिपोर्ट को पे आपको टिक करना है। जहाँ पे आपने जिस स्कूल की लोकेशन अपडेट कर रहे हैं वो आपको इस तरीके से दिखेंगी पार्ट बी में। यहाँ पर आपको पार्ट बी वाले आइकन पे क्लिक करना है, जो यहाँ पर अभी ऑरेंज कलर का दिख रहा है, या आपको हो सकता है कलर में पीला या लाल दिख रहा हो, तो आपको उस बी पार्ट, पार्ट बी पर आपको टिक करना है। जैसे ही आप पार्ट बी पर टिक करेंगे, एक क्वेश्चन आपके लिए दिखेगा कि शाला की जियो लोकेशन अद्यतन करें, और वहां पर एक ऑप्शन दिखता है, मतलब एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, उसको आपको टिक करना है, शाला परिसर में। तो आपको सिर्फ इस क्वेश्चन पे टिक करना है। यदि आप इस क्वेश्चन को टिक करेंगे या सिलेक्ट करेंगे तो जो ऊपर आइकन दिख रहा है वो ग्रीन हो जाएगा। मैंने एक नीचे इमेज भी दी हुई है, यदि आपसे किन्हीं कारणवश टिक नहीं किया है तो वो रेड में या अन्य कलर में आपको दिखेगा। जैसे ही आप टिक करेंगे, ऊपर का जो बटन है वो आपको ग्रीन कलर का सिंबल दिखेगा कि हाँ मैंने ये टिक कर लिया है। जैसे ही आप यहाँ पे टिक कर लेंगे, आप नीचे ऐप में राइट साइड में देखेंगे एक बटन दिया हुआ है, पार्ट बी सुरक्षित करें, आपको इस पर टिक करना है। जैसे ही आप यहाँ टिक करते हैं, पार्ट बी सुरक्षित होने का आपको मैसेज मिलेगा और आपको ये स्क्रीन दिखेगी। एक क्लाउड का एक ऑप्शन और दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको टिक करना है। जैसे ही आप टिक करेंगे, आपका पार्ट बी और जो स्कूल की लोकेशन अपडेट करने का जो डेटा है,
वो हमारे तक आ जाएगा, और जैसे ही डेटा हमारे तक आएगा आपको मैसेज मिल जाएगा कि लोकेशन की अपडेट करने की जो जानकारी है वो सक्सेसफुली हम तक आ गई है, यानी कि सर्वर तक आ गई है। तो 82 साहब से जो किताबें डीपी सॉरी स्कूल लेवल पे पहुंची हैं, यदि जियो लोकेशन की प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस स्कूल की जियो लोकेशन अपडेट करने के लिए एचएम साहब को ये प्रोसेस करनी है, शाला दर्पण ऐप पर जाना है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको फीड करनी है, कैमरे से आपको जियो टैग फोटो लेना है और अपलोड करना है। जैसे ही आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे ये पार्ट भी ग्रीन दिखने लगेगा। जैसे ही आप इसको अपलोड कर देंगे एक ऑप्शन हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, उनके लॉगिन पर जो भी लोकेशन अपडेशन की रिक्वेस्ट एचएम साहब द्वारा की जाएंगी उनको प्रदर्शित होंगी, वहां वो लोग टिक करेंगे और ये लोकेशन को वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये स्कूल का नाम दिख रहा है या यही लोकेशन है, आप उसको वेरीफाई करेंगे। जैसे ही आप इसका जियोटेक फोटो देखकर स्कूल की लोकेशन को सत्यापित करते हैं, तत्काल ही सिस्टम उस स्कूल की लोकेशन को अपडेट कर देगा। अपडेट करने के बाद एचएम साहब को अपने जो टेस्ट बुक ट्रैकिंग ऐप है उसको लॉग आउट करना है, लॉग आउट करके पुनः लॉग इन कर लें, और पुनः जब लॉग इन करेंगे तो सिस्टम में जो आपने अभी शाला दर्पण के माध्यम से जियो लोकेशन भेजी है वो अपडेट हो जाएगी और आपको टेस्ट बुक रिसीविंग करने की अलाउ ऐप कर देगा। तो ये जो मैंने प्रोसेस अभी आपको बताई है ये अभी बहुत कई लोगों के ये मैसेजेस थे हम लोगों के पास कि सर हम लोग स्कूल कैंपस में हैं लेकिन टेस्ट बुक रिसीविंग नहीं कर पा रहे हैं, ये स्क्रीन मिल रही है। तो आप एचएम साहब को सिर्फ ये करना है, यदि आप टेस्ट बुक रिसीविंग करने में प्रॉब्लम आ रही है, एपीसी ईएनडीआर आप लोग भी कई ग्रुप में आप लोग तक भी मैसेज आते हैं, हमारे एमआईएस कोऑर्डिनेटर उनको भी ये समस्या फील्ड से पता चलती है, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर्स वो लोग भी हम लोग को बराबर, हम लोग के जो अलग अलग ग्रुप हैं डीपीसी साहब उनका भी एक हमारा अलग ग्रुप है, ये समस्या स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इन सभी लोगों से अनुरोध है कि इस प्रोसेस का उपयोग करते हुए आप तत्काल यहाँ पर उस स्कूल की लोकेशन को अपडेट कर सकते हैं। यही एक अभी हमारे सामने समस्या आ रही थी जिसका सॉल्यूशन आज हमने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है।